दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीजों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है, और यही कृपा 80 के दशक में दिखाई जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिली। तभी तो बालक रूप भगवान राम और कोए वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, यहाँ सब कुछ ऐसे हुआ कि मानो ईश्वर खुद इस धारावाहिक को बना रहे हो। लेकिन यह सब हुआ कैसे और किस तरह इस धारावाहिक को शूट करने के दौरान कलाकारों ने चमत्कार अनुभव किए, जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव लगता है। बड़ी रोचक जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको, इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था, जिसका प्रसारण टीवी पर होना था। इसलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। रामानंद सागर ने खुद एक इंटरव्यू में बात बताई थी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में चक्कर काट काट कर मेरे 2 से 3 जोड़ी जूते घिस चुके हैं, लेकिन आखिरकार 2 साल बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारित करने का मौका मिला। और उस समय फिल्में जितने बजट में बनकर तैयार होती थी, उससे ज्यादा पैसों में दोस्तों रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। सबसे ज्यादा मजेदार इस धारावाहिक के शूटिंग के किस्से हैं, क्योंकि दोस्तों रामायण को शूट करने के लिए सही लोकेशन का होना बहुत जरूरी था, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। वो एक ऐसी जगह चाहते थे कि जहाँ पहाड़, नदी, समुद्र और पेड़ पौधे सभी मौजूद हो, और मुंबई जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह का शूट कर पाना बहुत ही मुश्किल था और महंगा था। ऊपर से रामायण में कई सारे किरदारों की जरूरत थी, इस वजह से शूटिंग के लोकेशन को लेकर रामानंद सागर ने भारत के कई सारे शहरों के चक्कर लगाए, और फिर हरिभाई नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें गुजरात में मौजूद एक बेहतरीन जगह नाम बताया। और यहाँ जगह थी दोस्तों उमरगांव, जहाँ पर रामानंद सागर गए और उन्हें यह जगह भा गई, जिसके बाद सारी शूटिंग यहीं पर शुरू की गई। धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि इस सीरियल के निर्माण के पीछे दिव्य शक्तियों और साधुओं का मार्गदर्शन भी था, जिसके साक्षी वो स्वयं ही थे। वहीं बाल स्वरूप भगवान राम और काकभुशुंडी वाले सीन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने साझा किया। वो बताते हैं कि काकभुशुंडी बालक राम की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता होगा, लेकिन कोए वाले सीन को फिल्माना दोस्तों बहुत ही कठिन था। एक तरफ एक नन्ना बालक और दूसरी तरफ कोआ, आखिर कैसे शूटिंग हो। सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से कोआ पकड़ा गया और उसे सेट पर लाया गया, लाइट और कैमरा ऑन हुआ, और तब रामानंद सागर कोए के पास गए और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बोले कि काकभुशुंडी जी, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करिए। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक मजा हुआ कलाकार जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी प्रकार से कोआ भी काम कर रहा था। प्रेम सागर बताते हैं कि जब पापा जी कहते थे कि बच्चे को देखो, तो कोआ उसकी तरफ देखने लगता था, और जब रामानंद सागर कहते थे कि रोटी लो, तब वो रोटी लेने लगता था। वो बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था कि मानो पालतू कोआ हो। यह सब देखकर कोई भी यही कहेगा कि मानो काकभुशुंडी जी स्वयं ही शूटिंग कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कैमरा और लाइट ऑफ हुई, कोआ न जाने कहां उड़कर गायब हो गया। रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के अनुसार, रामानंद सागर हर एक सीन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शूट करना चाहते थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहिए थी। वो रात में 2 से 3 बजे तक शूटिंग करते थे, इसलिए दीपिका पूरे महीने सेट पर ही रहती थी, उनका मुंबई आना जाना नहीं हो पाता था। और आपको बता दें कि जब रामायण की शूटिंग हुई, तो उस समय दीपिका की उम्र सिर्फ 15 साल की थी, और उन्हें जब ये रोल ऑफर हुआ तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सीरियल इतिहास रचने वाला है। दीपिका ने अपने इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि सीता का किरदार करने के बाद उन्होंने कभी भी छोटी ड्रेस नहीं पहनी। दोस्तों रामायण में काम करने वाले हर एक किरदार को लोग बिल्कुल असली समझते हैं। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम आ गए हो। वो जहाँ कहीं भी जाते, लोग उनके पैरों में गिर जाते। यहाँ तक कि आज भी अरुण गोविल को लोग भगवान राम कहकर बुलाते हैं। पर बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि भगवान राम के किरदार के लिए अरुण गोविल को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। जी हाँ, लेकिन बाद में इनकी मासूम और प्यारी मुस्कान को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें अपना राम चुन लिया था। वैसे अरुण गोविल से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, वो यह है कि जब भरत द्वारा भगवान राम को सूचना मिलती है कि राजा दशरथ नहीं रहे, तो उस समय कैसा एक्सप्रेशन देना चाहिए, यह तय कर पाना अरुण साहब के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो एक भगवान का किरदार अदा कर रहे थे और भगवान रो नहीं सकते, और चेहरे पर उदासी का भाव लाने नहीं देना था, क्योंकि भगवान राम को पहचाना ही उनकी सादगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहने के कारण जाता था। इसलिए यह सीन अरुण जी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन बाद में उन्हें सीन के लिए काफी तारीफें मिली। यहाँ तक कि भगवान राम की आंखों में आंसू देखकर जनता के भी आंसू झलक पड़े, और लोग यह महसूस कर पा रहे थे कि पिता के जाने का गम भगवान राम को कितना हुआ था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को भला कौन भूल सकता है, उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को एकदम जीवंत बना दिया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब रामानंद सागर ने उन्हें यह रोल ऑफर किया था, तो उन्होंने इसे करने के लिए साफ मना कर दिया था, क्योंकि उस समय दारा सिंह 60 साल के हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी उम्र
कपूर का हवाला देकर यह रोल ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में रामानंद सागर के बहुत मनाने के बाद उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कर दिया था। और तो और दारा सिंह ने अपनी श्रद्धा से चिकन मटन जैसी सभी चीजों को त्यागने की शपथ ली थी। दारा सिंह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि जब तक वो शूटिंग पूरी नहीं कर लेते तब तक वो चिकन मटन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और नटखट लेकिन तेज लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अपने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए वह कहते हैं कि जब रामायण की शूटिंग शुरू हुई तो कई सारे कलाकार पानी पीना तक छोड़ देते थे और वो 5-6 घंटे तक पानी नहीं पीते थे, क्योंकि रामायण की शूटिंग के समय आज इतनी सुविधाएं नहीं थी। सेट पर वॉशरूम की काफी दिक्कतें थी जिसकी वजह से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ेगा और गाँव में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पर ध्यान देते थे और कई दिनों तक लोग अपने घर पर बात नहीं कर सकते थे। वैसे तो रामायण की शूटिंग के दिनों के कई किस्से चर्चित है, लेकिन उनमें से एक किस्सा सुग्रीव के रोल को लेकर भी है। असल में रामायण में सारी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन रामानंद सागर सुग्रीव के किरदार को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें इस रोल के लिए कोई बेहतरीन कलाकार मिल नहीं पा रहा था और वो इस परेशानी में एक दिन भगवान राम का नाम लेकर सो गए और फिर सुबह बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ। अगले ही दिन इंदौर से एक अच्छी पर्सनलिटी का पहलवान आया जिसने तुरंत ही सुग्रीव के रोल के लिए हाँ कर दिया और रामानंद सागर ने भी उसे सिलेक्ट कर लिया। और यह रोल निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों श्याम सुंदर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। और इस तरह के कई किस्से रामायण की शूटिंग के दौरान हुए जिन्होंने इस धारावाहिक को हमेशा के लिए अमर कर दिया और सबके दिलों में बसा दिया। और तो और 100 साल के बाद जब लोग इस रामायण को देखेंगे तो ये रामायण उनके दिल में उतर जाएगी। दोस्तों आपके रामानंद सागर की रामायण के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखिएगा।